नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस लॉकडाउन में कहीं बाहर तो निकलने को मिल नहीं रहा है, इसलिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई में लगाइए, क्योंकि इस लॉकडाउन के बाद ढेर सारी सरकारी नौकरियों के फॉर्म निकलने वाले हैं। PCS के रुके हुए परीक्षाओं के परीक्षाएँ होने वाली हैं और नई वैकेंसी आने वाली हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन में सरकार को, जहां तक मैं समझता हूं, कि सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों की कद्र पता चली है, तो यह उम्मीद की जा रही है कि कम से कम अब सरकारी नौकरी में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिसके तहत अधिक से अधिक फॉर्म निकलेंगे, जिससे नव युवकों को चांस मिलेगा। जो हमारे कंपटीटर स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन देने वाले हैं, उनको भी मौका मिलेगा एग्ज़ाम देने का। इसलिए पूरी तरह से लगे रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टच कर लें, क्योंकि बाद में फिर ध्यान से उतर जाता है। तो अब हम आते हैं अपनी कहानी पे। हमारी कहानी इल्तुतमिश तक हो गई थी। इल्तुतमिश के बाद हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इल्तुतमिश की 1236 मृत्यु होने के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बनता है, लेकिन इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया होता है। हालांकि कुछ इतिहासकारों में इस पर विवाद है, लेकिन फिर भी हम रजिया को पढ़ेंगे, यहाँ पे रजिया को उत्तराधिकारी मानेंगे, क्योंकि चालीसे चहलगामी में, जिसे चहलगाना बोलते हैं, तुर्काने चहलगानी में सरदारों ने रजिया के पक्ष में अपना मत नहीं व्यक्त किया। वो किसी महिला को शासक नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि उस सरदारों के गुट में सरदार उसी को सुल्तान बनाना चाहते थे जो उनके हाथ की कठपुतली बना रहे। रजिया कठपुतली बनने वाली नहीं थी, इसी से उनको वाकिफ हो गया था, क्योंकि अपने शासन के दिनों में इल्तुतमिश ने इसको शासन की और अन्य युद्ध कलाओं की प्रशिक्षण दे रखी थी। तो रजिया अपने अन्य भाइयों से अधिक योग्य थी। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को उत्तराधिकारी बनाने के, मतलब सिंहासन में बैठाने के बाद, रुकनुद्दीन फिरोज शाह की मां शाहे तुर्कान ही असली सत्ता का उपयोग कर रही थी। शाहे तुर्कान एक बहुत ही क्रूर महिला थी। इसने इल्तुतमिश के एक योग्य पुत्र कुतुबुद्दीन को मरवा दिया, और जिससे सरदार बहुत ही खिन्न हो गए। उन्होंने शाहे तुर्कान की इस व्यवहार से उसमें गुटबंदी होने लगी। इसी का फायदा उठा करके रजिया दिल्ली की जनता के बीच में जाती है और अपने लिए न्याय मांगती है। उसमें लाल कपड़ा, लाल कुर्ता न्याय का प्रतीक माना जाता था। रजिया उस लाल कुर्ती को पहनकर दिल्ली की जनता के बीच में जाती है और अपने लिए लोगों का समर्थन इकट्ठा करती है, और जिससे जनता रजिया के बातों को समझती है, रजिया के प्रति जनता का झुकाव होता है। नमाज पढ़ते समय लोगों के बीच में जाती है रजिया, और लोगों को अपने प्रति बताती है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, सुल्तान ने हमें उत्तराधिकारी बनाया था और ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह के शासनकाल भी उसकी मां चला रही है। तो इससे दिल्ली की जनता उसके भावों से पिघल जाती है और दिल्ली के किले को घेर लेती है। इतिहास में पहली बार ऐसा होता है, भारतीय इतिहास में, कि दिल्ली की जनता सिंहासन का फैसला करती है। रजिया के पक्ष में सब लोग आ जाते हैं, दिल्ली की जनता का माहौल देख करके सरदार भी रजिया के पक्ष में आ जाते हैं, जो कि पहले से ही फिरोज शाह के खिलाफ हो चुके थे। रजिया को 1240 में सुल्तान बना दिया जाता है, मात्र एक अल्पकाल के लिए फिरोज शाह को शासक बनाया जाता है। उसकी मां और रुकनुद्दीन को कत्ल कर दिया जाता है। रजिया सिंहासन बैठती है। सिंहासन बैठने के बाद यह पूरी तरह से पुरुषों जैसा हाव भाव लिबास अपनाती है और शासन करती है, बहुत अच्छा शासन करती है। लेकिन जिस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए सरदारों के गुट ने रजिया को सुल्तान की गद्दी पर बैठाया था, सरदारों का वह उद्देश्य पूरा होते हुए सरदारों को दिख नहीं रहा था।
जिसके कारण सरदार इनके खिलाफ होने लगे। एक महिला की बात मानने में वो अपने आप को ऐतराज़ दर्शाने लगे और रजिया के खिलाफ भी गुट बनने लगे। इसी दौरान रजिया से भी एक मिस्टेक होती है, एक गलती होती है कि रजिया एक अफ्सीनिया निवासी याकूत से विशेष स्नेह रखने लगती है, उससे प्रेम करने लगती है। इस बात का फ़ायदा सरदार उठाते हैं कि अफ्सीनिया गैर तुर्की था और सरदार लोग किसी भी गैर तुर्क को शासन में एक ऊंची पद पर नहीं देखना चाहते थे। तो याकूत को अश्वशाला का प्रधान बनाया गया था। याकूत के प्रति प्रेम सरदारों के लिए एक मौका था। उन्होंने रजिया के खिलाफ लोगों को भड़काना चालू किया, लेकिन दिल्ली की जनता का इतना सहयोग रजिया के साथ था कि दिल्ली में रजिया का सत्ता पर दिल्ली में रजिया को रहते हुए रजिया का सत्ता परिवर्तन करना नामुमकिन था। तो एक सुनियोजित योजना के तहत रजिया को दिल्ली से बाहर भेजने का प्लान बनाया जाता है। भटिंडा के इक्तादार अल्तुतुनिया को इसमें एक रोल निभाने के लिए तैयार किया जाता है। अल्तुतुनिया अपने क्षेत्र में विद्रोह करते हैं, उस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया 1240 में दिल्ली से जाती है। रजिया को भटिंडा पहुंचते ही दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होता है। मोइनुद्दीन बहराम शाह को सिंहासन बैठा दिया जाता है और यह बात जब रजिया को पता चलती है तो रजिया अल्तुतुनिया से संधि का प्रस्ताव रखती है और अल्तुतुनिया को दिल्ली के सिंहासन का हिस्सेदार बनाने के लिए या उनमें कोई अहम रोल देने के लिए उसको प्रेरित करती है। और यह भी कहा जाता है वो अल्तुतुनिया से विवाह कर लेती है। कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि दिल्ली में याकूत की हत्या कर दी जाती है, लेकिन कुछ यह भी मानते हैं कि याकूत दिल्ली से बच के निकल जाता है और रजिया की मदद करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। रास्ते में ही आते समय दिल्ली की सेनाएं और रजिया की सेनाओं दोनों में युद्ध होता है और रजिया की सेना परास्त होती है, लेकिन रजिया अपनी जान बचा करके जंगलों में छुप जाती है। और बहराम शाह की सेना ने उसको ढूंढती नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा सा इतिहासकारों में मतभेद उत्पन्न होता है। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि वहीं कैथल के जंगल में रजिया को डाकुओं द्वारा मार दिया जाता है, डाकुओं द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि याकूत दिल्ली से आता है, रजिया की वहाँ मदद करता है और वह रजिया को वहाँ से बचा करके सीधे राजस्थान टोंक की तरफ निकल जाता है। इसका विवाद का सबसे प्रमुख कारण होता है रजिया का मकबरा। रजिया का मकबरा के तीन जगह की दावेदारी प्रस्तुत की जाती है। पहली दावेदारी होती है हमारे दिल्ली में, दूसरी कैथल में, तीसरी दावेदारी होती है टोंक में। लेकिन रजिया के बाद मोइनुद्दीन बहराम शाह गद्दी पर बैठता है 1240 से 1242 तक, लेकिन यह भी कठपुतली की तरह शासन करता है। उसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह सिंहासन बैठता है, लेकिन यह भी एक अल्प समय 1242 से 1246 तक बैठता है। इनका रोल सिर्फ सरदारों के हाथ की कठपुतली बनना था। इसी दौरान उस 40 सरदारों के गुट में एक बलवन जिसने बाद में उलूक खां की उपाधि ली, यह अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाता है और अपने वर्चस्व से यह नसरुद्दीन महमूद शाह को दिल्ली के सिंहासन में बैठाता है। नसरुद्दीन महमूद शाह एक अयोग्य शासक था, लेकिन अपने भाइयों के मृत्यु के कारण, जो भाई इनकी बात नहीं मानते थे तुर्क उनकी हत्या कर देते थे, तो अपनी जान बचाने के कारण वह सबसे शक्तिशाली सरदार उलूक खां बलवन के संपर्क में रहता है और सुल्तान बनता है। नसरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में सारा शासन बलवन चलाता है। उसने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान से कर दिया था। बाद में 1265 में नसरुद्दीन महमूद शाह को बलवन विष देकर के मार डालता है और स्वयं 1266 में
1266 में दिल्ली के सिंहासन बैठता है और यहीं पे इल्तुतमिश का वंश ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है और बलवन का वंश चालू हो जाता है। तो अगले कहानी में हम आपको बलवन के बारे में बताएंगे। आप लोग चैनल पर बने रहें दोस्तों और अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को बताइए, इसमें जोड़िए और लॉकडाउन में घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए और पढ़ाई करिए, क्योंकि अब आगे कुछ ही दिनों बाद आपको ढेर सारे नौकरी के ऑफर मिलने वाले हैं। फिलहाल हम यही उम्मीद करते हैं। नमस्कार दोस्तों।